के अश्रु से प्रकट होखे वाली रिक्शिंदा केवल तोही दोनों के जन्म देवे खातिर ही प्रकट भइल रहनी। ई कार्य समाप्त होकत ही ब्रह्मा जी के चरण में लीन हो गई ली कि देवी लक्ष्मी मानवीय रूप में अवतार धारण करे ही वाली बाड़ी। कब कहुआ के बाड़े उनकर माता पिता? उनकर माता पिता केहू नहीं खे, वो तो पृथ्वी के पुत्री बन के इस धरती में से ही प्रकट होखे वाली बाड़ी। हम सत्य कह रहल बानी नाना श्री, सैनिक लोग यह अशुभ और श्रापन से भरल खड़ा के राजा जनक के यज्ञ भूमि में ले जाके गाड़ दो, जहां से रक्त जमा के ले रहा। चला जल्दी जल्दी चला चला चला। महामंत्री जी, हमार अकाल पीड़ित प्रजा खातिर अनाज और अन्य सुविधा के प्रबंध भेल के ना? अवश्य महाराज, परंतु राजकोष रिक्त हो रहल बा, अनाज भंडार खाली हो चुकल बा और वर्षा के लक्षण भी तो कहीं दिखाई ना दे रहल बा। महाराज चिंतित मत होके, दुख के काला छाया बहुत जल्दी दूर हो जाए। आई हमनी सब मिलके सुख और समृद्धि के देवी माँ लक्ष्मी की आराधना प्रारंभ कर जाओ। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात स्वाहा। हमनी के मिथिला पुण्य भूमि बा, अकाल के काला छाया शत्रु के षड्यंत्र से प्रकट भइल बा। माँ लक्ष्मी सुख और समृद्धि के देवी हमनी के पूजा और आराधना से प्रसन्न होखी हैं और हमनी के मिथिला के पूर्व हरा भरा करी हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होखी। 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 राउर आज्ञा अनुसार हम शुभ मुहूर्त पे क्षेत्र भूमि में उपस्थित बानी। हाँ राजन, इस शुभ मुहूर्त में भूमि जोते के कार्य प्रारंभ करें। जवन आज्ञा गुरुदेव जी। Amen.
पृथ्वी में दबल कोनो अस्तु हल्के जले से रोक रहल बा, पता करी का बा। गुरुदेव, इस संदूक में शिशु स्वर के सन। राजन, इस धरती माता के उपहार बा, रउआ एकरा खुलवाई। खोला। महाराज, इस धरती माता के उपहार बा राउर खातिर रउआ एकरा स्वीकार करी। नारायण नारायण, धन्य होखा मिथिला नरेश महाराज जनक। ई बालिका साक्षात माता लक्ष्मी के अवतार बिया। शुभ संयोग से रउआ के ई बालिका के पिता होखे के श्रेय प्राप्त भइल बा। धन्यवानी रउआ। लक्ष्मी के अवतार बिया ई कन्या, हमार त भाग्य फल उठल देवर्षी। लक्ष्मी के प्राप्ति और राउर दर्शन दोनों एक साथ, हम धन्य भइली, हमार जीवन धन्य हो गई। महालक्ष्मी सीता जानकी वैदेही के रूप में राउर नाम अमर करी, राउर सौभाग्य के का कहना। हम धन्य भइली प्रभु, धन्य भइली। लंकेश्वर के आंख में तू प्रेम और सुंदरता के जौन उन्माद जगैले बाढ़ू, ओकरा से हम प्रसन्न भइली। मांगा का चाहत पाड़ू? हमनी के तो बस लंकापति के कृपा चाहिए असुराज। वो तो तोहे मिली रहल बा सुंदरी, और का चाही बतावा। हम तोरा के उस सब देव जौन
आज तक केहू ना दिहले होखी। लंकापति रावण हमके ऊ चाही जे हमके आज तक ना मिलल। तू तो हमार सब आशा के झूठ सिद्ध करे पर तुलल बाड़ा राजन। के बाड़ा तू? और हमरा आज्ञा के बिना हमार विलास कक्ष में आवे के साहस कैसे कैला? राजन, हम कबो कहीं केहू के आज्ञा से प्रकट ना होखे। हमके जहां जाए के होखेला हम पहुंच जाने। पुरुष, लंकापति रावण के क्रोध के परिणाम जाने लाप। तोहार क्रोध हमार कुछ बिगाड़ ना सकेला लंकापति। हमरा के तो दुख ये बा कि तुहारी प्रचंड क्रोध जेकर उपयोग शत्रु नाश खातिर होखे के चाही, व्यर्थ ही कुछ तिनका के आग के भांति झुलस के नष्ट हो रहल बा। आपन क्रोध आपन सीना में दबा द असुरराज, और ध्यान पूर्वक हमार बात सुना। रावण आज तक केहू के आदेश ना मनलस, आपन सगा पिता के भी ना। के बाड़े तू जे हमरा के आदेश दिला के साहस कर रहल बाड़े? हम तो तोहरा से इतना बड़ बानी रावण कि हमार ऊंचाई तक पहुंचे खातिर तोहरा के कई जन्म और लेवे के पड़े। सावधान हो जा, यदि अब एक कुछ शब्द अपना मुंह से निकलला तत्वार गर्दन धड़ से अलग होके धरती पे नाचत दिखाई दी। एह प्रकार के गीदड़ भभकी देके काहे आपन वीरता के कलंकित कर रहल बाड़ा असुरराज? यदि हृदय में साहस और बाजू में बाहुबल बा तो करत काहे नहीं खाऊ जौन तोहरा करे के बा। देख लेला लंकेश्वर, हमार तपोबल के छोट सा झलक के आगे तुहार क्रोध कितना तुच्छ सिद्ध भइल। के बाड़ा तू? हम बानी राक्षसन के शुभ चिंतक दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हमार ही शुभकामना से तुहार जन्म भइल बा रावण। हमार ही प्रेरणा से तुहार तपस्या सिद्ध भइल, और अब हमरा ही आशीर्वाद से तू महानता के ओरी चरण बढ़ा रहल बाड़ा वत्स। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम रौरा बारे में जौन कुछ भी सुनले रहली ओकरा से कहीं ज्यादा पहली नाना सुमाली बतौले रहले। रौवा दैत्यन के बल बानी, राक्षसन के शक्ति बानी। हमरा के क्षमा कर दी गुरुदेव, हम रौरा विरुद्ध तलवार उठेली। वीरत्व खातिर क्षमा ना मांगल जाला लंकेश। हमके त दुख तोहार व्यवहार से ना पहुंचल, हमके त दुख ही देख के पहुंचल कि विश्व विजय के बाद भुला के तू मदिरा के रंग में डूबल बाड़ा। गुरुदेव, शत्रुअन के रक्त से आपन तलवार के प्यास बुझावे के बदले आपन वासना के प्यास बुझा रहल बाड़ा। आश्चर्य बा गुरुदेव, असुरन के गुरु होके के बावजूद रहुआ हम असुरन के सुरा से दूर कर दिया चाहता नहीं। मदिरा पे तो हमने राक्षसन के जन्म सिद्ध अधिकार बा। असुरन के तई सब कुछ स्वयं समुद्र देवता भेंट कैले बाड़े। ई मादक भेंट के आनंद तबे मिल सकेला जब लंकेश सारा संसार के सम्राट बन जास। मदिरा के मद तबे सुख पहुंचावेला जब विजय श्री चरण चूम रहल होके। रावण, तोहरा जैसन राक्षस कई युग में एक बार जन्म लेवेला। हम तोहके तोहार उहे महानता के याद दिवावे आइल बानी वत्स। हमके आपन कर्तव्य याद बा गुरुदेव, हमरा के उस सब याद बा जौन हमरा करे के बा।